Environmental Sociology Topic 26 Environment and Pakistan. A number of serious environmental problems are inherent in the country, which are of great ecological concern in terms of sustainable economic future. Pakistan mein bahut se aise environmental threats hain jo na sirf hamari country ki ecological sense ke liye problematic hain balki hamare economic future ke liye bhi bahut badi threat hain. These include the soil erosion, bahut zyada green places na hone ki wajah se, deforestation hone ki wajah se, soil erosion itself, zameen ka katav jo hai, wo bahut badi problem hai. Deforestation is an issue Pakistan mein, jo jangalat aaj se 50 saal pehle the, usse bahut kam ho gaye. Overall, jo bahut badi tadad mein darakht nehron ke upar, daryaon ke kinaron pe the, due to the poor governance in terms of the forest management, hamara forest department utna perform nahi kar paya jitna ise perform karna chahiye tha, bajaye iske ki hamare forest increase hote overall, kyunki communities aur localities bhi zyada environment friendly attitude nahi hai unka ki wo forest ko protect karte, aur overall hamara jo forest protect karne ke liye पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान के हर सूबे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना वो परफॉर्म कर सकते थे. वो बचा सकते थे जंगलात को, लेकिन क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं और इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे यूज टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी विच आर क्रिएटिंग डैमेज फॉर द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को, तो वो ओवरऑल इट्सल्फ मैसिव डैमेज हुआ है हमारे फॉरेस्ट को. अर्बन पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉयल सेलेनिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, मैरीन वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट टू नेम टू. इसमें से ये चंद हैं जिन्हें मेंशन किया गया. द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो इनसफिशियंट एंड मैनी री यूजेबल रिसोर्सेज आर डिस्कार्डेड एज वेस्ट. बहुत से ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें रीयूज किया जा सकता है, या बहुत सी ऐसी चीजें जो ऐसी प्रोड्यूस की जा सकती हैं जिन्हें रीयूज किया जा सके, उसकी ऐसी पॉलिसी की तरफ भी लैक है इन सच डायमेंशन इन पॉलिसी फॉर्मेशन. ओनली लिमिटेड इंडस्ट्रियल प्लांट मीट इंटरनेशनल वेस्ट ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड. बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल वेस्ट ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं. देयर आर सीरियस वेस्ट प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ सैनिटेशन अफेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारे ऐसे वेस्ट के प्रॉब्लम हैं और सैनिटेशन इटसेल्फ जो है वो इन्वायरमेंट को मैसिव लेवल पे डैमेज कर रही है. द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इन 2014 स्टेटेड दैट पाकिस्तान टॉप इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्लूड एयर पोल्यूशन. पाकिस्तान के जो टॉप के इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसमें से सबसे बड़ी एयर पोल्यूशन है, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर. देखें, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू द ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की वजह से एयर पोल्यूशन होती है, अनदर साइड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से. इनएडुकेट सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता पाकिस्तान में लोगों को पीने के लिए. कहा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को अगर साफ पीने के लिए पानी दे दें तो हमारे हॉस्पिटल्स के 70% बेड्स जो हैं वो खाली हो जाएं, 70% हॉस्पिटल खाली हो जाएं कि वहां पे लोगों को बीमारियां ना लगे, वाटर बोर्न डिजीजेज ना ज्यादा. नॉइस पोल्यूशन है, हेल्थ वीकनिंग ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ड्यू टू पोल्यूशन. अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में पोल्यूशन की वजह से लोगों के बहुत से हेल्थ के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों की हेल्थ वीक हो रही है. दीज एनवायरमेंट कंसर्न नॉट ओनली हार्म पाकिस्तानी सिटीजन्स बट आल्सो पोज अ सीरियस थ्रेट टू द कंट्री इकोनॉमी. ना सिर्फ ये पाकिस्तानी सिटीजन्स को हार्म करते हैं बल्कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी सीरियस थ्रेट पोज करते हैं. बिकॉज व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज इज देयर एंड ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर गोइंग टूवर्ड स्ट्रेस, मैक्सिमम रिसोर्सेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग खर्च कर रहे हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज से साफ पानी नहीं मिल रहा, साफ हवा नहीं मिल रही, तो उससे डिजीजेज लगेंगी और बीमारियों को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए उस पर खर्चे होंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन से अगर इन्वायरमेंटल डैमेज आ रहा है तो ऑल दो प्रोडक्शन होगी लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन और मैसिव जो है वो प्रॉब्लम होगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल.
तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी अपने एनवायरमेंट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है।